कैद। वो बालू कोई उठा नहीं सकता है, और अगर वो किसान उठा लेगा तो किसान को पुलिस पकड़ लेगी और कम से कम 20,000 रुपया 25,000 ले लेगी। होता क्या है कि दरअसल वो बालू उठा के ऊपर रख दी जाती है, और जब पानी गिरता है, पानी बरसता है, तो वही बालू दोबारा बंबा में फिर चली जाती है, और उसी बालू की फिर से सफाई होती है। ये बालू ऊपर रखी जाती है, फिर बंबा में और नहर में जाती है, फिर सफाई होती है, जिसमें सरकार का रुपया ज्यादा बर्बाद होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो बालू बाहर रख दी जाए, अगर कुछ ना करें, कम से कम उसे आप नीलामी कर दें, तो कम से कम दोबारा वो बालू उसी बंबा नहर में तो नहीं जाएगी। ये हमारा आपसे अनुरोध है। और इसके अलावा माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने बाढ़ से सुरक्षित 22.98 लाख हेक्टेयर आपने जो है एरिया किया, लेकिन यमुना नदी इटावा से लेके औरैया तक जब बाढ़ आती है, तब उन लोगों की यह स्थिति हो जाती है कि निकल के ऊंची जगह पे पहुंच जाते हैं, और उस ऊंची जगह पे बेसहारा हो जाते हैं। उन्हें अन्य लोग पन्नी देते हैं, खाने की सामग्री देते हैं, जब तक पानी नीचे नहीं उतर जाता है तब तक उन लोगों की हालत बड़ी खराब रहती है। आपसे अनुरोध है कि इटावा से लेके औरैया तक जो यमुना नदी के किनारे के गांव हैं, वहां भी आप कहीं ना कहीं बंदा बनवा के उन्हें सुरक्षा देने का काम करें। ये अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी। और इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट आपका बहुत लोक लुभावना है, और गरीब जनता को इसमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ घोषणाएं ज्यादा की गई है। आज भी देश में 75% लोग खेती किसानी का काम करते हैं, और जहां 75% किसान है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जो देश का पेट भरने का काम करते हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। माननीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि पहले गांव का और किसान का विकास करो, जिस दिन किसान खुशहाल हो जाएगा उस दिन देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि उन किसानों की कम से कम आप मदद करें, जिन पे बिजली का डंडा, समय पे पानी नहीं मिलता है, कब पानी की जरूरत है, कब नहर को छोड़ना है, यही जरूरत, असली जरूरत किसान की रहती है। जब पानी नहीं मिलता है, किसान हम लोगों को टेलीफोन करता है कि भैया पानी में पानी कम, बंबा में पानी कब आएगा। तब माननीय जो माननीय शिवपाल सिंह जी कह रहे थे, उस समय रोस्टर का हवाला दे दिया जाता है, और जब पानी की जरूरत नहीं रहती है, उस समय इतना ज्यादा पानी आता है कि जो फसल तैयार है गेहूं की, उसमें पानी ओवर चला जाता है, तो उनकी बनी बनाई फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि समय पे कम से कम पानी दिलवाने की कृपा की जाए। दूसरा, एक आप नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, अनानी का साथ अनानी का विकास मत करो, किसान का साथ और गरीब का कमजोर का विकास करो। ये अगर नारा अगर आप लगाएंगे तो निश्चित है देश खुशहाली की तरफ जाएगा। एक हमारे यहाँ मेरे क्षेत्र की समस्या, प्रदीप जी अब समाप्त करेंगे, अब इसके बाद 5-5 मिनट का समय देंगे प्रदीप जी, क्योंकि वो फिर और भी लोग हैं, सबको बोलना है। दिव्यापुर में बहुत भारी जाम लगता है, और सालक के टाइम तो 2-2, 4-4 घंटे कोई नहीं निकल पाता है, उस पुल को चौड़ा कराने का काम। आ गई प्रदीप जी, आपसे निवेदन है, और हर गांव में जो आप पानी की बात करते हैं, माननीय सदस्य अगर चली जी डॉक्टर एम पी आर्य जी, तो हर गांव में तालाब अपना शुरू करें, जब तक हर गांव में तालाब। ठीक है प्रदीप जी, आ गई है आपकी बात, आप कृपया बैठे, चली जीवन शुरू करिए आप, कभी कृपया बैठ जाए प्रदीप जी, हो गया आपका, अब लिखा नहीं जाएगा। चलिए, सिंचाई जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री माननीय स्वतंत्र देव जी द्वारा
दिए गए प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। डॉक्टर साहब 5 से 6 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, घड़ी देखते रहिएगा। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले राम राज्य की परिकल्पना के साथ इस प्रदेश का संचालन कर रहे हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। मानवर संदेश नहीं, मैं यहां स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया है। एक हाथ में परश एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। मानवर हमारे विपक्षी साथी कृषि सिंचाई एवं बाढ़ के 2023-24 के बजट में प्रस्तावित बाढ़ के लिए 2803 करोड़ रुपए, मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5322.50 करोड़ रुपए, मध्यम सिंचाई के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रुपए और लघु सिंचाई के लिए 3400 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 25350 करोड़ रुपए और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 455.15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में कटौती की बात करते हैं। माननीय, सिंचाई केवल फसलों के पोषण और जीवन के लिए ही आवश्यक नहीं है। सिंचाई तो ये पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए आवश्यक है। माननीय, जल आर्थिक और सामाजिक विकास का केंद्र भी है। माननीय, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य, हमारा भोजन, सब कुछ तो जल पे निर्भर करता है। माननीय, अगर सिंचाई है तो फसलें हैं, अनाज है। अगर जल है तो फसलें हैं, वृक्ष हैं और हमारे मकान बनाने के लिए लकड़ी है, खाने के लिए फल है, खाने के लिए अनाज है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी तो इन्हीं पेड़ों से मिलती है। मानवर, अगर इनको जल नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? मानवर, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंचाई के इस व्यय में कटौती किसी भी तरह से स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। मानवर, हमारे माननीय मंत्री जी अभी एक चिंता व्यक्त कर रहे थे, चिंता वास्तव में जायज है, जल संरक्षण की बात हो रही है। मानवर, मैं बात करना चाहूंगा, इसमें किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, पूरे सदन के लिए कहना चाहूंगा, अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, अपने सभी माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक महोदयों से कहना चाहता हूं कि ये वास्तव में एक गंभीर समस्या है। मैं जब छोटा था, करीब 40-50 साल पहले की बात करता हूं, हमारे गांव में कुएं से पानी पिया जाता, सारे पोखरे तालाब सब पानी से लबालब रहा करते थे, छोटे बड़ी सारी नदियों में अविरल जल बहता था। मानवर, जब हम कुएं से पानी पीते थे, बरसात के दिनों में वाटर लेवल इस तरह का हुआ करता था कि कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती थी, खाली झुक करके हम लोग बाल्टी से पानी भर लिया करते थे। मानवर, आज किसी तालाब में पानी दिखाई नहीं देता, किसी पोखरे में पानी दिखाई नहीं देता, नदियां, छोटी छोटी नदियां सूख गई हैं। बड़ी नदियों की अगर बात करें तो बड़ी नदियों में भी पानी बहुत कम है, धारा अविरल नहीं है और जो है वो गंदी है। इसकी साफ सफाई की चिंता, जल संरक्षण की चिंता, ये हम सबको निश्चित रूप से करनी चाहिए। मान्यवर, मैं बात करूं जल संरक्षण की, हम सिंचाई की 3 विधियां काम में लाते हैं, सतह से सिंचाई करते हैं, हम फव्वारे से सिंचाई करते हैं, हम ड्रिपिंग से सिंचाई करते हैं। मेरा मानना है, कृपया समय का ध्यान रखेंगे, कुछ अपनी बात कहनी हो तो कह लीजिए। सबसे अच्छी सिंचाई का जो तरीका है ड्रिपिंग का है। हम अगर वास्तव में कल बचाना चाहते हैं, जो कहा गया है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, अगर हमें अपना कल संरक्षित रखना है तो ड्रिपिंग को अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तालाब बनाएं, बांधों की रक्षा करें। ये सब जिम्मेदारी हमारी और आप सबकी है। मानवर, कहना चाहूंगा कि सब लोग अपनी छतों का पानी भूगर्भ में पहुंचाने की व्यवस्था करें। ये सारी व्यवस्थाएं अगर करेंगे तो ये जो जल है, जो सृष्टि से पहले
से पैदा हुआ है और हमारी सृष्टि जिस पर आधारित है, जो हमारी प्रकृति के पंच तत्व हैं, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये निश्चित रूप से समाप्त करिए। हम सब लोग इस तरफ ध्यान देंगे, मेरा ऐसा निवेदन है। और इसी के साथ माननीय स्वतंत्र देव जी द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा ये जो प्रस्ताव किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद करता हूं। श्री हिमांशु यादव। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा पेश कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, अर्थव्यवस्था, मैं उसके अद्वितीय योगदान से शुरू करना चाहूँगा, जिसका नाम लिए बिना हमारी अर्थव्यवस्था का कोई आधार नहीं, इस बजट का कोई आधार नहीं, जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, जैसे किसी सुंदर भवन की संरचना में उसकी गहरी नींव, उसी मजबूत बुनियाद उस सुंदर एवं भव्य भवन का आधार होती है। इसी प्रकार किसान और कृषि निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था की गहरी नींव है और एक मजबूत बुनियाद है। मान्यवर, लेकिन आज किसान बेहाल है, बढ़ती लागत और फसल का वाजिब मूल्य ना मिल पाना इसका सबसे बड़ा कारण है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो किसानों की आय दोगुनी करेगी, लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में किसानों के लिए नहर एवं राजकीय नलकूपों द्वारा दी जाने वाली सिंचाई मुक्त की गई थी। इस फैसले से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ भी मिला था। मान्यवर, हमारे जनपद बदायूं में कोई नहर नहीं है, लेकिन राजकीय नलकूप हैं जो अधिकतर खराब रहते हैं, जिससे किसानों की फसल पैदावार प्रभावित होती है। कई बार किसानों की इस समस्या के बारे में मेरे द्वारा अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराया गया, लेकिन महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उसको ठीक कराने के 3-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। विभागों में पर्याप्त बजट की व्यवस्था रहे, इसके लिए मैं आपसे मांग करता हूं, इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि किसानों की समस्या को दृष्टिकोण रखते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने, अधिकारियों की जवाबदेही तय करें, जिससे किसानों को अधिकतर खराब नलकूप के कारण सिंचाई करने में आ रही समस्याओं का समाधान निस्तारण कराया जाए, ताकि किसानों की फसल पैदावार बढ़ सके। मान्यवर, विगत वर्षों जनपद बदायूं में सिंचाई ट्यूबवेलों द्वारा की जाती है कि जनपद में सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गंगा नदी एवं रामगंगा नदी के दोआब में स्थित जनपद बरेली की तहसील सदर और आंवला के जनपद बदायूं की तहसील सदर एवं दातागंज के हजारों किसानों को लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सिंचाई नहर परियोजना 27/4/2012 को वित्त समिति अनुमोदित किया, जिसको 23/3/2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन समय समय पर सर्किट रेट का बढ़ना और भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार सर्किट रेट के 4 गुने से प्रावधान किया जाने के कारण 2017 तक हमारी सरकार ने 31% का कार्य पूरा हो गया। उच्च नहर का अवशेष कार्य इस डबल इंजन की सरकार 6 वर्षों में भी पूरा नहीं कर पाई, जबकि किसानों की आय दोगुनी करने की बात ये लोग करते हैं। मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस नहर के निर्माण कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिल सके। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका विवेकानंद जी अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करेंगे। धन्यवाद महोदय, आपने प्रभु योगी आदित्यनाथ जी महाराज
उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री की बड़े भाई के इस जल शक्ति विभाग के बजट पे बोलने का अवसर दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज जी के नेतृत्व में और कुशल संगठनकर्ता और लोकप्रिय जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग को बजट दिया गया है वो हर क्षेत्र में, अभी नहर की बात हो रही थी, नहरों में हेड से तेल तक पानी जाए। 2017 से जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और आज 6 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार, हेड से तेल तक नहरों में पानी के जाने का कार्य हुआ तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार काल में संभव हुआ। पहले नहरों के टेंडर होते थे, हेड से तेल की सफाई के टेंडर होते थे लेकिन सफाई होते नहीं थे, सिर्फ कागज में होते थे, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार और जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में आज नहरों की सफाई होती है और हेड से तेल पानी जाने का कार्य होता है। ये हमारे विपक्ष के साथी भी देखते हैं, हम सब देखते हैं। आज उसको और सुदृढ़ करने के लिए और उसको देश में कैसे और अस्थायी रूप से उसको और बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और नए नहरों को बनाने के लिए उसकी और स्थापना करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। बाढ़ जैसी विभीषिका को निपटने के लिए आज इस साल बाढ़ की समय आया था, प्रदेश में बाढ़ को अपनी सरकार की हमारी नीत की देन है, हमारे सरकार के नीत की देन है, हमारे अधिकारी और हमारे मंत्रियों की ये कार्य की देन है कि पानी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी कहीं हमारा बंदा, क्योंकि मैं खुद एक बाढ़ क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरे क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा ठोकर बीरावा ठोकर है, मैं कुशीनगर जनपद खंडा विधानसभा से बिलोंग करता हूं और मेरे क्षेत्र में खुद बाढ़ की व्यवस्था बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन पानी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी हमारे सरकार की नींद हमारे कर्मचारियों के प्रयास से और कार्य किए, पहले कार्य होते नहीं थे, पहले कार्य टेंडर होते थे, ठोकर बनने के टेंडर होते थे लेकिन मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं होते थे, लेकिन हमारी सरकार की देन कि उस बाढ़ की व्यवस्था को रोकते हुए और सारे बंदे हमारे सुरक्षित रहे। और आज की स्थिति यह है कि जो अभी बात हो रही थी बंदों की पेंटिंग के लिए, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे ही क्षेत्र में 16 किलोमीटर के भी बाढ़ एक है और एक चेतावनी बाढ़ है 11 किलोमीटर जिसपे धन दिया गया है, उसकी पीचिंग करने के लिए मिला के लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा बंदे का पीचिंग करने का और एक जो तारकोल तेल वाला बनता सड़क बनाने का प्रावधान किया गया है। मेरे ही क्षेत्र में अभी एक बगल में महाराजगंज जिला हमारे क्षेत्र से बगल में है, रोहुआ नाला वहां पे है, रोहनी नाले पे बैराज बनाने की धन में प्रावधान किया गया है और उसको बैराज बनाने के लिए धन दिया गया है। और भी अन्य क्षेत्रों में हमारे ही क्षेत्र में एक बाढ़ के कारण से अक्सर बात पहले भी करते थे लेकिन हमारी सरकार इस बजट में हम देखे हैं, क्योंकि अभी पूर्व हमारी चर्चा हुई है कि 5 करोड़ लगा के एक नए रेगुलेटर बना के और हमारे क्षेत्र कम से कम लाखों लोगों के लिए वह वरदान साबित हुआ है और वह स्थापना होने जा रही है। हमारी सरकार घर घर जल योजना के तहत, गांव घर जल योजना के तहत घर घर कैसे घर घर जल नल के योजना के तहत पानी दिया जाए, हर गांव में मिशन जल से जल जीवन के साथ जो कार्य हो रही है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हमारी सरकार। नहर से लेके नलकूप की बात हो रही थी, नलकूप के क्षेत्र में हमारी सरकार हर क्षेत्रों में नलकूप कैसे लगे और हर क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं कि सबको शुद्ध पानी और किसान को भी पानी मिले, किसान और आम आदमी को जल कैसे मिले इसकी हमारी सरकार अपने बजट में प्रावधान की है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मंत्री जी के और मंत्री जी के प्रयास से हमारे क्षेत्र में बंदों का भी उच्चारण कार्य किया जा रहा है, महाराजगंज हुआ या गोरखपुर हुआ या बुलंदशहर हुआ, हर क्षेत्रों में इस बजट में प्रावधान दिया गया है। नहर हो, बाढ़ की व्यवस्था हो, जल जीवन हो, हर क्षेत्र में अगर बजट दिया गया है माननीय मंत्री जी के इस बजट पे धन्यवाद देते हुए और समर्थन करते हुए पुरजोर समर्थन करते हुए यह बजट उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग का ऐतिहासिक बजट है, इसका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने क्षेत्र के संबंधित हम चाहेंगे कि इस बजट में जो नए जो पंप हाउस बनने हैं कुछ हमारे भी क्षेत्र में या हमारे खड्डा क्षेत्र में सिसवा गोपाल और मठिया और नेबुआ नौरंगा विकास खंड सिंघा के तरफ भी पंप हाउस बना के एक नया इसमें जोड़ा जाए कि हमारे क्षेत्र में जो शेष कार्य रह गए पंप
था उसका ये भी हो जाए कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे जो एग्रीकल्चर लैंड है जो पानी के अलावा में जो जिसमें फसल नुकसान होते हैं उस पंप हाउस के माध्यम से हमारी सरकार और जो शेष कार्य है इसको भी पूरा करे। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि सबसे जुड़ी हुई मामला है सबसे जुड़ा हुआ मामला है, हमें लगता है कि सदन में बैठे हुए सभी साथियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मामला है। एक आपके माध्यम से मैं एक सूचना मैं सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या जिस जैसे भी हो सके सहारा इंडिया बैंक में आम गरीब आदमी जो काम करता है जो ठेले पे और जो दुकान खोल के सहारा बैंक में पैसा अपना जमा किया है खुदकशी करने के लोग तैयार हो गया है। स्थिति है कि सहारा बैंक जो जमा पैसा है उसको कैसे गरीब आदमी जो दिन भर मजदूरी करते थे ठेले और पान की दुकान चला के इसके साथ जोड़ना चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय चाचा महोदय, यह विषय महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि सबके लिए हित के लिए है, ये किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। इस पे भी हम आपसे चाहेंगे कि आपके माध्यम से सहारा बैंक में जिनका भी पैसा बसा हुआ है उसे निकलवाने के लिए कोई हमारी सरकार या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसा व्यवस्था करे कि उन गरीब लोगों का पैसा मिले। आज तो मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति मंत्री जी के बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सचिन भाई 5 मिनट। आप 5 मिनट सर। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई के जल शक्ति के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय शिवपाल जी द्वारा लाया हुआ कटौती प्रस्ताव को से संबंध होते हुए उसको बल देता हूं। बजट तो बहुत बड़ा आया है, लेकिन पिछले बार का भी बजट काफी बड़ा था, लेकिन जब बजट का जो प्रपोज्ड बजट था और एक्चुअल बजट का जब डेटा आया तो उसमें बहुत बड़ा अंतर, लगभग अधिष्ठाता महोदय 50% से ज्यादा का अंतर था जो बजट मिला और जो बजट खर्च हुआ उसमें 50% का अंतर। और इस बार फिर बजट बढ़ा दिया गया है, जो किताबें हमें मिली है उसमें बताया है कि मुख्य एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में पिछली बार से 2,3400 करोड़ रुपया खर्च किया था और इस बार 5,000 का इनका एस्टिमेट। जब पिछली बार ही ये तो सिंचाई का बजट था, जल शक्ति का बजट था, जब पिछली बार ये खर्च नहीं हो पाया तो इस साल खर्च कैसे ये कर पाएंगे, मुझे तो इसकी उम्मीद कम नजर आती। दूसरी बात, जो बजट का बड़ा प्रपोर्शन है वो सेंट्रल से आता है, सेंट्रल की स्कीम से आता है, जल जीवन मिशन के द्वारा आता है। मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, उस प्रश्न पूछने का जवाब आया कि खासकर अपने जिला फिरोजाबाद के लिए पूछे थे कि कब तक, क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में हर घर जल नल योजना के अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करने की क्या सीमा है। आदरणीय मंत्री जी का जवाब आया कि 2024 तक ये कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन उसी के आगे ये जवाब के आगे लिखा था जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सही स्रोत पेयजल योजना की DPR तैयार करा ली गई। जब DPR तक ही काम अभी पेंडिंग है, जमीन पर काम आया नहीं है, तो एक ही साल में अगर इतने सालों में DPR तक ही काम पहुंच पाया है तो इसको जमीन तक आने में एक साल की उम्मीद मुझे कम नजर आती। मैंने दूसरा सवाल भी पूछा था कि अशुद्धियां मिटाने के लिए आपने हैंडपंप बंद कर दिए, अब हैंडपंप मिलते नहीं है, तो अशुद्धियां मिटाने के लिए क्या योजना है। उस पर भी जवाब आया कि सही लोकल जो नहर के स्रोत से आपको हर घर पाइपलाइन पहुंच जाएगी, लेकिन फिर से वही बात कि जब DPR तक ही बात तय है तो तब तक पानी का इंतजार जो लोग कर रहे हैं वो पानी कहां से पिएंगे, और अगर ग्राउंड वाटर से पानी पिएंगे जो पहले से ही अशुद्ध है या खारा है तो उस पानी को कैसे पी सकेंगे। बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सर बजट में इसको बजट को यूज ही नहीं किया जा रहा। जल जीवन मिशन में जो बजट सेंटर से आता है, डबल इंजन की सरकार है, टाइम से नहीं मिलता। जनवरी फरवरी तक पूरे साल का बजट आता है उसकी वजह से मार्च में ये यूज नहीं हो पाता। बंबो में जो रोस्टर बनाया है, आदरणीय शिवपाल जी ने रोस्टर की बात रखी, सब पानी आ रहा है ऊपर से, नहरें हैं, बंबे तालाब तक जाती हैं, लेकिन प्रॉपर रोस्टर नहीं।
समय बता दिया जाता है कि इस दिन आएगा, मंगलवार को आएगा, बुध को आएगा, अगले महीने आएगा, अगले हफ्ते आएगा, लेकिन महीने के महीने निकल जाते हैं, उन बम्बों में कभी भी पानी नहीं आता। कभी शोर सिफारिश कदा लगा दी जाती है तो एक आध दिन चल जाता है, उसके बाद फिर चला जाता है, फिर किसान परेशान होता है। अगर उन बम्बों की सफाई कराने का क्या फायदा है अगर उस बम्बों की सफाई कराने के बाद उसमें पानी नहीं आए, और वो पानी अगर बम्बों में आ जाए तो उन बम्बों से कनेक्टेड जो तालाब है अगर उनको भरने का काम नहीं किया जाएगा तो पानी का कोई यूज नहीं होगा। अमृत सरोवर की बात हुई कि अमृत सरोवर के बड़े बड़े टारगेट पूरे किए जा रहे हैं। सर, अमृत सरोवर ज्यादातर पेंडिंग चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, और बहुत सारी गांवों की नालियां अमृत सरोवर से कनेक्ट हो चुकी हैं, जिससे अमृत सरोवर में जो रेन वाटर का पानी इकट्ठा हो जाता था वो पहले यूज होने से पहले ही दूषित हो चुका है। तो अब उसकी क्लीनिंग का क्या व्यवस्था की जाएगी, उसे रोकथाम करने की क्या व्यवस्था की जाएगी? तो अमृत सरोवर का जो स्कीम आई थी वो स्कीम जमीन पर आने से पहले ही फेल नजर होती हुई आ रही है। नलकूप के टारगेट है सर, नलकूप के टारगेट जो भी पिछली बार सरकार ने दिए थे वो कंप्लीट नहीं किए, और जब इस बार टारगेट और बढ़ा दिए गए हैं, जब पिछली साल के कम टारगेट थे वही कंप्लीट नहीं हुए तो इस साल के बढ़े हुए टारगेट कैसे पूरे किए जाएंगे? ट्यूबवेल है सर, उन पर मीटर लगना चालू हो गया है, पहले कभी नहीं मीटर हुआ करते थे, इस बार देखा जा रहा है कि सचिन भाई कोई विशेष बात हो तो कह लें, पांच फुट का समय। सर ये सारी विशेष बातें हैं सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, पानी की समस्याओं को लेकर बातें। चौधरी बाबूलाल जी, चलिए सचिन भाई। बढ़िया, मंत्री द्वारा जो बजट मांग प्रस्तुत की है उसके समर्थन में समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और आपका नमन। महोदय, हमारा विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी राजस्थान से लगा हुआ इलाका है, बिल्कुल सूखा इलाका है। वहां किसी जमाने में अकबर ने राजधानी बनाई थी अपने, और पानी की कमी की वजह से राजधानी छोड़ करके आगरा दूसरी राजधानी बनानी पड़ी। महोदय, हमारी बहुत बड़ी इलाके की लंबित मांग लखवाड़ बांध योजना की है, और उस लखवाड़ बांध योजना बनने के बाद नहरों का जो विस्तार होगा, पुनर्निर्माण होगा, और नहरों की पानी की क्षमता बढ़ेगी, उससे पूरे आगरा का ही नहीं, मथुरा, हाथरस, आगरा, पूरे इलाके में किसानों को भरपूर पानी मिलने का काम होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय मंत्री जी बैठे, मेरी माननीय मंत्री जी से एक दफे नहीं, कई दफे मेरी मांग हुई है, मेरे 70-80 गांव फतेहपुर सीकरी के जो राजस्थान से लगे हुए हैं उनको पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, वो व्यवस्था होनी चाहिए। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा जब तक मरोली मांडर और जहानपुर गूल का विस्तार नहीं होगा तब तक उस इलाके का पानी का किसानों का इंतजाम नहीं हो सकता। तो मेरा माननीय मंत्री जी से और माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है, लखवाड़ योजना को कैसे भी लागू किया जाए, हम लोगों ने चुनाव में वादा करके आए थे कि इन गांवों के लिए पानी की व्यवस्था कराने का हमारी सरकार काम करेगी, और निश्चित तौर पर आप लोगों से अनुरोध है कि वो लखवाड़ योजना को लागू कराया जाए, और उसके साथ साथ हमारे जो पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हर घर जल नल की योजना जो चालू कराई जा रही है, मैं माननीय सदन से और आपसे माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, सबसे पहले फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए हर नल की व्यवस्था पानी की कराई जाए, और हम तो चाहते हैं वो व्यवस्था चंबल से कराई जाए। हमारे बाढ़ तहसील में चंबल से सिंचाई की व्यवस्था होती है, पानी की पीने की व्यवस्था होती है, मैं चाहूंगा उस व्यवस्था को लागू की जाए, और सबसे बड़ी व्यवस्था ये महोदय, वहां नहरों की सफाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है, वहां के एक्सियल गिरी और ए नार सिंह वो पानी की चोरी भी करवाते हैं, और नहर का
छपाई में घोटाला भी करते। राजस्थान से लेकर राजस्थान का एक गांव है नया गांव, वहां के लोगों ने इन अधिकारियों से मिलकर के पक्के पंप हाउस बना रखे और ये हमारे पानी को वो नयाबाग के लोग 10-10 किलोमीटर अपने चोरी करते और हमारे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे नोट करूंगा इन अधिकारियों को जरूर हमारे किसानों को पानी मिल सके। महोदय नहीं हुआ सुनिए सुनिए तिवारी, सब सभी मेंबरों को माननीय अध्यक्ष जी ने 10-10 मिनट दिए हैं तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात मुझे कह जाने दो। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है। अरे आप बजट के समर्थन में बोल रहे, क्या बोल रहे आप बरसात में? बाबूलाल जी माने आपकी बात आ गई, जो भी बची है वो लिख करके देना। मेरी बात सुन लीजिए महोदय, नालों की सफाई जब तक नहीं होगी, जब बरसात होती है हजारों बीघा जमीन हमारी बिना बुवाई के रह जाती है और पूरे जितने भी नाले हैं सबकी सफाई कराई जाए। अभी ये मेरे कल माननीय मंत्री जी से बात हुई, पानी तोड़ के लिए DNDA के पास हजारों बीघा जमीन सिंचाई विभाग की पड़ी हुई है, उसको खुदाई करा करके उसमें पानी तोड़ कर आ जाए। सिकंदर राजवा के हेड पे जोधपुर, अरे आपकी बात हो तो गई माननीय मंत्री जी से। अध्यक्ष नहीं, सभी तालाब में जितने भी तालाब है उनपे अवैध कब्जे है, उनको हटवा करके उनके तालाबों की खुदाई करा जाए। चलिए ठीक है, श्री संदीप पटेल जी माननीय मंत्री जी, चलिए हो गया बाबूलाल जी, चलिए हो गया। संदीप पटेल जी अपनी बात शुरू करें। छाता महोदय, आपने मुझे आदरणीय शिवपाल जी यादव द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपने मौका दिया, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर किसी का दर्द है तो अपने दर्द को बयां तो करेगा ही। आदरणीय बाबूलाल जी को दर्द था, उनका दर्द आपने आने ही नहीं दिया, उनको एक आध मिनट और दे देते। मैं अपनी बात शुरुआत करूं, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मैं